कोरोना भगाने का दावा करने वाले ढोंगी बाबा को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य की सहायता से MIDC पुलिस ने गुरुवार की रात उसके घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी शुभम ताइड़े पंचशील नगर निवासी है। शुभम ने घर में ही अंधश्रद्धा का दरबार लगा रखा था। राज्य भर में संचार बंदी लागू है, लेकिन शुभम के दरबार में करीब 50 लोग पाए गए। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। शुभम कोविड संक्रमण के उपचार का दावा करता था। इसके अलावा भूत बाधा, गुप्त धन दिलाने, धन वर्षा कराने का दावा भी करता था। उसके दरबार में रोजाना लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक पीड़ित महिला के अनुसार ढोंगी बाबा ने उसके परिवार को भी बर्बाद करने का प्रयास किया। उसके चरित्र को लेकर उसके पति को भ्रमित करने की कोशिश की। बाबा की ओर से रुपयों के अलावा अन्य मांग की जाती रही। धन वर्षा, गुप्त धन के लिए व नरबलि के लिए भी उकसाने लगा था। कोविड संक्रमित लोग भी उसके प्रभाव में आकर कोविड संक्रमण के उपचार का दावा उसके दरबार में पहुंचने लगे। वह कभी अपने शरीर में देवी शक्ति के संचार का दावा करता था तो कभी नाग देवता की सवारी आने का दावा करता था। गुरुवार की रात करीब 9 बजे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्यों के साथ पुलिस की टीम पंचशील नगर में शुभम के दरबार में पहुंची। उस समय वह जमीन पर लोटपोट कर रहा था। दरबार में लोगों की संख्या अधिक थी। पुलिस को देखती शुभम माफी मांगने लगा। वह किसी भी तरह का इलाज करने से इनकार करने लगा। पुलिस उसे थाने लेकर आई और कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई में अनीस के पदाधिकारी हरीश देशमुख, छाया सावरकर, नरेश निमजे शामिल थे। शहर की निचली बस्तियों में कोरोना भगाने के नाम पर ठगने वाले ढोंगी बाबाओं के गिरोह के सक्रिय होने की खबर पुलिस को मिली थी। लोगों को सचेत किया गया, इस तरह के किसी भी बहकावे में न आए। कोविड संक्रमण के उपचार में विलंब जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा विविध टोटको और मनगढ़ंत उपचार सामग्रियों का इस्तेमाल भी खतरनाक है। शुभम ताइड़े के दरबार में दूर दराज से लोग उपचार के लिए आते रहे हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वतीने MIDC एरिया मध्ये नागपूरला एकात्मता नगर मध्ये एक भंडाफोड करण्यात आला एका पाखंडी बाबाचा। त्या बाबाचं नाव आहे शुभम ताइड़े। हा 32 वर्षाचा युवक आहे आणि हा त्या ठिकाणी बुवाबाजी करतो। या बाबांचे दावे असे होते की त्याच्यामध्ये दैवी शक्ती आहे आणि तो पैशाचा पाऊस पाडू शकतो, रुपयांचा पाऊस पाडू शकतो, इतकंच नाही तर तो सट्ट्याचा नंबर सांगू शकतो, त्याच्यामध्ये गुप्तधन शोधण्याची शक्ती आहे, कोणाचे आधार पण दुरुस्त करू शकतो। या व्यतिरिक्त कोरोना काळामध्ये जे रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे त्याला काही क्षणामध्येच मंत्र सामर्थ्याने मंत्रमुगळ पाणी दिलं की तो इमिजिएट निगेटिव्ह होतो, अशा प्रकारचे त्या बाबाचे दावे होते। आणि त्याचं विशेष म्हणजे त्या बाबाकडे येणारे जे भक्त आहे त्यांच्या घरच्या ज्या भानगडी आहे त्याला स्वप्नामध्ये अगोदरच दिसतात, त्याला स्वप्नात दृष्टांत होतो आणि मग तो आलेला भक्त सांगतो की मला स्वप्नामध्ये दिसलं की तुझ्या घरी अशी अशी भानगड आहे। धुंदू बाबा आहे एक, तो कोरोना पॉझिटिव्ह आलेला निगेटिव्ह करून देतो आणि ज्याच्याजवळ पैसा नाही आहे त्याला पैसा आणून देतो आणि सट्ट्याचे नंबर सांगते आणि नंबर लावायला लावते आणि जो त्याच्याजवळ येते ते त्यांना आपल्या वशमध्ये करतो आणि जो गलती करते त्यांना दंडा मारतो, छत्रीतून पैशाची बरसात करतो आणि आशीर्वाद देणेवाल्याला झाडू मारतो। ढोंगी बाबा आहे एक तो, आणि माझ्या नवऱ्याला ढोंगी बाबाच्या याच्यामध्ये चालला गेला आणि रातोरात हे खजाना वगैरे पाहायला जाते, खजाना ढूंढते, त्या खजान्यासाठी त्यांना एक नरबडीचा काही लागतो तर त्या भोंदू बाबानं म्हटलं की वगैरे द्यावं लागेल असं मी ऐकलं। नरबडी दिल्याशिवाय म्हणजे तो धनप्राप्ती होत नाही, तर मला असं वाटतं का त्यांची चाल आहे एक माझ्या घरवाल्याला आपल्या काबूमध्ये केलं तर याच्या घरवालीला आपण मारून सध्या धनप्राप्ती करू असं मला असं वाटत आहे का त्यांची चाल आहे, पक्की चाल आहे। माझ्या घरी भी 2-3 आले ते आणि कारण मी ऐकलं असं TV वगैरे कुठेतरी का धन म्हणजे हा प्राप्त असा होतच नाही, नरबडी दिल्याशिवाय प्राप्त होत नाही। एखाद्याची म्हणजे ते त्याला मारतीन ज्ञान ठाई ज्ञानानं मारतीन तेव्हाच तो धन प्राप्त होते असं मला ऐकायला म्हणजे मिळालं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट BCN News नागपूर।